नमस्कार, मेरा नाम दिव्या उच्चिल है और एमओसी कैंसर जेनेटिक्स की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग इस नामचीन हस्ती को जरूर जानते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड की अभिनेत्री एंजेलिना जोली के बारे में। क्या आपको पता है कि मई 2013 में कैंसर के विषय में इनका नाम कहीं उबर के आया था? क्या इन्हें कैंसर हुआ था? जी नहीं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इन्हें कैंसर कभी हुआ ही नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि कैंसर और इनका नाम एक साथ जुड़ गया? एंजेलिना जोली ने 56 इयर्स पर अपनी माँ को ओवेरियन कैंसर से लड़ते हुए खोया। जब उन्होंने अपनी फैमिली हिस्ट्री पता की तो उन्हें पता पड़ा कि उनकी नानी को भी इसी प्रकार की बीमारी थी। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या उन्हें भी इस तरह के कैंसर होने का खतरा हो सकता है? अपनी जेनेटिक जांच कराने पर उन्हें पता पड़ा कि उन्हें 80% ब्रेस्ट का यानी स्तन का कैंसर होने का खतरा है और 40-60% अंडाशय का यानी ओवरी का कैंसर होने का खतरा है। इस जानकारी को प्राप्त करते ही उन्होंने निवारण के उपायों का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने कैंसर होने से पहले ही उससे पूरी तरह से मुक्त होने का निर्णय लिया। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? क्या आपको अगर फैमिली हिस्ट्री हो और कैंसर के होने का खतरा पता पड़े तो क्या आप उससे बचाव कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपका कैंसर अनुवांशिक हो तो ऐसा किया जा सकता है। अनुवांशिक कैंसर आखिर होते क्या है, इसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे अपनी कैंसर जेनेटिक्स की अगली कक्षा में। धन्यवाद।